मिलने को तो हजारों मिल जाते हैं इस जहां में, पर माँ जैसा कोई दोबारा नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, एक माँ ही है जिसके किरदार को कोई नहीं निभा सकता। माँ अकेली सारे रिश्तों को एक साथ निभा सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आज की हमारी कहानी इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत है, तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक दुकानदार जल्दी जल्दी अपने सामान को अंदर कर रहा था, क्योंकि उसकी दुकान को बंद करने का समय हो चुका था। तभी वो देखता है एक 20-22 साल का लड़का भागता हुआ उसकी दुकान पर आता है। दुकानदार उससे पूछता है, क्या चाहिए भाई साहब? तो वो लड़का बोलता है, मुझे एक अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए। तो उसने बोला कि उनका नाप दीजिए। इस पर लड़का बोलता है, मेरी माँ का नाप नहीं है, मेरी माँ ने तो कभी चप्पल ही नहीं पहना। तो दुकानदार बड़े आश्चर्य से देखता है। इस पर वो लड़का कहता है, भाई साहब मेरी माँ बहुत गरीब थी, उसने अपना सारा समय सारा पैसा मेरे पर खर्च किया। मैं जूते पहन सकूं इसलिए मेरी माँ ने कभी चप्पल नहीं पहने। आज मैं अपनी पहली तनख्वाह पाया हूँ, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चप्पल लेकर आता हूँ। तब दुकानदार बड़ा भावुक होकर उसे देखता है और फिर बोलता है, कोई अंदाज़ा तो बताइए किस नाप का दूँ? इस पर वो लड़का अपने जेब से एक पेपर निकालता है जिस पे एक पैर के ड्रॉ किए हुए निशान थे। उसने बोला, मेरी माँ का नाप नहीं था तो मैं इस पेपर पर उनके नाप को ले लिया हूँ, आप इसे देखकर चप्पल दे दीजिए। वो दुकानदार उस नाप का चप्पल देता है और बोलता है, बेटा वो माँ धन्य है जिसने तुम जैसे बच्चे को जन्म दिया। तो वो लड़का बोलता है, हाँ मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ कर गई है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिससे वो खूब खुश हो सके। इस पर वो पैक करके वो चप्पल देता है। माँ तो साक्षात लक्ष्मी है, माँ ही धर्म है, माँ ही प्यार है, माँ ही हमारी शिक्षक है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।